ये है गाजियाबाद RRTS स्टेशन दोस्तों, देखो कितना ही हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो, यह है रेड लाइन शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों, और यह है गाजियाबाद, और यहीं से निकल के जा रही है दोस्तों दिल्ली मेरठ RRTS, और इसके बगल में ही बनाया जा रहा है दोस्तों बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य है RRTS का स्टेशन दोस्तों, उसी को आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आप लोग गाड़ी की कुर्सी बांध के बैठ जाइए दोस्तों, अच्छे तरीके से बताऊंगा और दिखाऊंगा अभी आपको। तो तस्वीरें देख सकते हो, ये है गाजियाबाद का नया बस अड्डा, और यहीं से इसका नाम भी है शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन दोस्तों। देखो वो लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में दोस्तों, देखो आप लोग तस्वीरें। और आप लोगों को बता दूं कि रेड लाइन को और RRTS को जोड़ने के लिए इस पर रैंप बनाया जाएगा, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कहां से बनाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अब ये राइट से तो चली जाती है सीधी, जहाँ ये स्टेशन चमक रहा आप सभी को, ये चली जाती है सीधी मेरठ के लिए, यानी कि दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर, और ये मेरठ मोदीपुरम में जाके एंड हो जाएगी। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर स्टेशन बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और ये है फूड कोर्ट दोस्तों, ये वाला जो चमक रहा आप लोगों को, आगे वाला स्टेशन है, और ये दोस्तों फोर्थ फ्लोर का स्टेशन है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। अब ये लेफ्ट में तो ये लाइन जा रही है दोस्तों कहाँ के लिए, साहिबाबाद, आनंद विहार होते हुए सीधी दिल्ली के सरायकाले खां में इसका एंड हो जाएगा दोस्तों, वहीं से स्टार्ट होती है। तो देख सकते हो, एक तो ये रेड लाइन को क्रॉस कर रही है दोस्तों, ये फ्लाईओवर को, और ये मामाया स्टेडियम के बगल में ही दोस्तों एक इंटरचेंज एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर देखो पार्किंग भी बन के कम्प्लीट हो चुकी है, सारा काम यहाँ पर कम्प्लीट हो गया दोस्तों, जो अंदर की फिनिशिंग का काम है वो किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से, क्या भव्य है, क्या सुंदर भाई साहब इस गाजियाबाद RRTS का स्टेशन देखने में लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से बनाया जा रहा है और किस तरीके से बनाया गया है दोस्तों, तस्वीरें देखो आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। देखो एक ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए देखो ये पिलर बनाए हुए हैं ना, पहले इन पर पियर कैप का नहीं काम हुआ था, लेकिन अब पियर कैप का काम हो चुका है कंप्लीट दोस्तों, और वो उधर ड्रेनेज बनाया जा रहा है, तो अभी आप लोगों को नीचे भी लेकर चलूँगा, ऐसी बात नहीं ऊपर से दिखा रहा हूँ, नीचे भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो देखो एक वो बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट बिल्कुल सामने टक्कर पर, और एक इधर बनाया जा रहा है मामाया स्टेडियम के बगल में दोस्तों, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करूँ। तो देखो यहाँ पर ये दो पिलर बनाए हैं, और दोनों को एक लेफ्ट में जोड़ेगा एक राइट में जोड़ेगा, देखो वो सामने मेरी उंगली चमक रही है, वो ही थोड़ा थोड़ा सा चमक रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को लेकर चलूँगा, पहले आप लोग इस चीज़ को देख लो। तो चलेंगे फिर घूम के उधर से ही आएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि एंट्री एग्जिट पॉइंट कहाँ बनाया जा रहा, और देखो ये ड्रेनेज बनाया जा रहा दोस्तों, देखो ये देखो इस पर सरियाओं का जाल बना दिया, फाउंडेशन का काम किया जाएगा, और फिर इसके बाद में इसको पाट दिया जाएगा दोस्तों, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी चल के, तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। तो देख सकते हो ये लाइन सीधी साहिबाबाद के लिए जा रही है दोस्तों, और देखो अब घूम के मैं आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ये क्रॉस कर रही है दिल्ली मेरठ RRTS रेड लाइन को और फ्लाई ओवर को दोस्तों, देखो आप लोग तस्वीरें। तो यहाँ पर देखो मैं उतर जाता हूँ, और आप लोगों को अब एंट्री एग्जिट पॉइंट देख लो आप लोग, देखो ये बनाया जा रहा है जिसका फाउंडेशन का काम बिल्कुल बनके कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसका
फर्स्ट फ्लोर बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो, और इसकी बाल भी बनाई जा रही, सेटिंग लगी हुई है, इसका फर्स्ट फ्लोर बना दिया, तस्वीरें वो देख सकते हो आप लोग। सारे पिलर फाउंडेशन सारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब इसमें ऊपर का काम किया जा रहा है, यानी कि सरियाओं का जाल बनाएंगे, फिर इसमें कॉन्क्रीट भरेंगे, ये ऊपर बढ़ता चलाएगा दोस्तों, और जहाँ पर वो अभी आपने दो पिलर देखे थे वहाँ से ये जोड़ेगा, एक लेफ्ट में जोड़ेगा, दूसरा राइट में जोड़ेगा, एक इससे जोड़ेगा, एक महामाया वाले से जोड़ेगा, तो दोनों साइड से आप लोगों को एंट्री और एग्जिट दिए जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग बता दो, दो और दो चार और एक पाँच, भाई साहब पाँच एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं इस जगह पे। देखो आप लोग कितना विशाल हो सकता है क्या नहीं है। देखो दो पिलर ये रहे और यहाँ से ये जोड़ेगा इधर पे, एक तो लेफ्ट में जोड़ देगा, दूसरा लाइट में राइट में जाकर जोड़ देगा, तो ये बॉक्स वे हो जाएगा एंट्री एग्जिट पॉइंट का दोस्तों। देखो ये इसीलिए ये पिलर बनाए गए हैं ऐसे, एक तो इधर बनाया जा रहा है और एक उधर बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, तो इंजॉय करो, देखो सुंदरता देखो यहाँ की, भाई साहब ड्रेनेज भी बनाया जा रहा है। तीसरा और चौथा देखो ये कि ये बनाया जा रहा है, यहाँ पर देखो फर्स्ट फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, उस साइड में चलेंगे, ये सीधी चली जाती है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ये बनाया गया, देखो अब लोग तस्वीरें देखो, इधर ये चढ़ने उतरने के लिए यहीं से जोड़ा जाएगा ये एंट्री एग्जिट पॉइंट को, और एक सामने बनाया जा रहा है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो भी आप लोग देख लो। और ये नीचे ड्रेनेज बनाया जा रहा है दोस्तों, देखो ये रखे हुए हैं, तो यही ड्रेनेज के अंदर डाले जाएंगे दोस्तों। देखो एक वो सामने बनाया जा रहा है, देखो वो बनाया जा रहा है सामने, देखो वो बनाया जा रहा है, देखा आप लोगों ने, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये सेटिंग लगी हुई है, और देखो यहाँ पर ये ग्लासेस लग रहे हैं दोस्तों, जो कि इधर इस पार्ट में नहीं लगे हैं, और इसके अंदर अभी प्लेटफॉर्म के अंदर भी काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये फोर्थ फ्लोर का है ना, तो यार एकदम से नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आप लोगों को बता दूं जो पार्किंग का एरिया है ना, वो तो बना लिया जाके बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, कितना ही लंबा चौड़ा और कितना ही सुंदर देखने में लगता है दोस्तों ये गाजियाबाद RRTS का स्टेशन मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, किस तरीके से भाई साहब पेड़ पौधे भी लगा दिए, तो और सुंदरता इसकी बढ़ गई है, पहले इतनी सुंदरता नहीं थी। देखो ये रोड भी बना दी, पार्किंग बना दी, और फिर पेड़ पौधे भी लगा दिए, तो दोस्तों इसकी भव्यता और ज़्यादा बढ़ गई है। देखो आप लोग तस्वीरें देखो आप लोग, अनुमान लगा सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस में आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ दोस्तों, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चलकर आप सभी को आगे।
देखो दोस्तों ये बनाया जा रहा है ड्रेनेज और यहाँ पर ये काम चल रहा है। देखो इधर भी ये पियर बना दिए हैं सारे कंप्लीट कर लिए हैं, पर इधर देखो ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है। देखो जो काफ़ी भारी भरकम ड्रेनेज है जिसका फाउंडेशन का काम किया जा रहा है दोस्तों। ये देखो ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है जो कि गाज़ियाबाद RRTS का स्टेशन है दोस्तों। ये देखो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, बाकी तो सारा ही काम हो चुका है कंप्लीट दोस्तों, बस ड्रेनेज बनाने का ही काम चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, और ये मिट्टी उठा रही है JCB मशीन। ये देखो ये, और यहाँ पर ये पिलर भी बन चुके हैं। तो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट देखो वहाँ पर बनाया जा रहा है उस साइड में। देखो कुछ ऐसा बनाया गया है यहाँ पर, ये पिलर बन गया है, एक उधर जोड़ा जाएगा एक इधर जोड़ा जाएगा। देखो वो बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट वहाँ पर उस जगह पर दोस्तों। देखो उसकी दीवारें भी बन चुकी हैं, फाउंडेशन का काम हो चुका है। चलते हैं वीडियो कैसा लगा आप सभी को दोस्तों नीचे कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।